ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन जिला इकाई के सदस्यों ने सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण के संबंध में मंडलायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। सरकारी सस्ते गल्ले के दुकानदारों का कहना था कि 2 माह जून जुलाई से कोटेदारों द्वारा आवंटित खाद्यान्न का पैसा नगद चालान में जमा कर खाद्यान्न उपभोक्ताओं में निःशुल्क वितरित किया गया है, जिससे कोटेदारों के सम्मुख कोरोना काल में आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गई है। कोटेदारों को यह आश्वासन दिया गया था कि वितरण के उपरांत सभी पैसों का भुगतान कर दिया जाएगा, परंतु आज तक पैसे का भुगतान नहीं किया गया। इसके अलावा मार्जिन मनी, बोर की धनराशि तथा मासिक भत्ता तय किए जाने सहित 9 सूत्री मांगों को लेकर कोटेदारों ने मंडलायुक्त से वार्ता की और उनके निस्तारण की मांग की, जिसके संबंध में उपायुक्त खाद एवं रसद मनोज कुमार ने बताया कि कोटेदारों द्वारा की गई मांगों पर विचार कर उसका उचित समाधान किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संगठन के जिला अध्यक्ष श्री भागवत मिश्रा एवं जेसी फूड मनोज कुमार ने कहा, श्री भागवत मिश्रा जिला अध्यक्ष कोटेदार संघ गोरखपुर। आज गोरखपुर जनपद के समस्त कोटेदारों ने एक स्वर से माननीय आयुक्त गोरखपुर मंडल गोरखपुर के यहाँ ज्ञापन अपना 8 सूत्रीय मांगों का सौंपा। माननीय मंडल आयुक्त ने हर बिंदु पर विस्तृत चर्चा करते हुए सब समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने सप्लाई इंस्पेक्टर अरुण सिंह से कागजात विधिवत तैयार करके ले आकर के दस्तखत कराने का निर्देश दिया है। माननीय मंडलायुक्त ने पॉलिसी मैटर को छोड़ के, जो गवर्नमेंट का मैटर उसको छोड़ के जितनी भी हमारी मांगें रही हैं, सब मांगों पर सकारात्मक रुख अख्तियार करते हुए उन्होंने इसे कहा, इसके समाधान का निर्णय किया कि यह बहुत जल्दी समाधान कर दिया जाएगा। इसके लिए उन्होंने 1 हफ्ते का हम लोगों से समय लिया और हम लोगों के सामने ही उससे संबंधित विभाग के अधिकारियों को तुरंत टेलीफोनिक द्वारा निर्देश देते रहे हैं कि कोटेदारों की समस्या 80 से ऊपर कोटेदार यहाँ जुटे हैं, इनके समस्या का समाधान कराया जाए। जैसे भाड़े का भुगतान था, डोर स्टेप डिलीवरी का भुगतान था, 2 महीने हम लोग पैसा जमा करके निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किए थे, उसके भुगतान का था, तो 1 हफ्ते का समय इन्होंने लिया है और 1 हफ्ते में हमारी समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है। कमिश्नर साहब ने क्विक डिसीजन लेते हुए इन्होंने कोटेदारों के हक में निर्णय सुनाया, इसके लिए कमिश्नर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद है। आज कोटेदार एसोसिएशन के लोग आए थे, उनकी कुछ मांगे थे, उसमें मुख्य रूप से यह था कि शासन के निर्देश पर जून जुलाई और अगस्त में जो हमारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है, वह निःशुल्क वितरण किया जा रहा है, तो उसका पैसा कोटेदारों द्वारा पहले जमा कर दिया जा रहा है, तो उसका पुनः उनको भुगतान होना है जो वितरण के पश्चात, तो उनके द्वारा मांग की जा रही थी कि जून जुलाई का चूँकि वितरण हो गया है तो उनको पैसे का भुगतान यथाशीघ्र कर दिया जाए। मंडलायुक्त महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया कि यथाशीघ्र शासन से जैसे पैसा प्राप्त होगा उनको भुगतान कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त उनकी कुछ और भी समस्याएं थी कि उनको 2001 से जो MDM का खाद्यान्न उनके द्वारा उठान किया गया है और जो APL का खाद्यान्न उठान किया गया था, उसका भाड़ा का पैसा नहीं मिला है, उसके संदर्भ में भी आयुक्त महोदय द्वारा RFC को निर्देशित किया गया कि तत्काल भुगतान करा दें। और पिछले वर्ष बोरे का जो है लिए गए थे, जो गेहूँ खरीद धान खरीद में, तो उसका भुगतान भी अभी कोटेदारों को नहीं हो पाया है, उसके भुगतान के बारे में उनके द्वारा मांग की गई थी, उसके संदर्भ में भी आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिया गया है RFC को कि तत्काल उसका भुगतान सुनिश्चित कर दिया जाए।